हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको इस पेल्टियर मॉड्यूल किट से एक वाटर कूलर बनाकर दिखाऊंगा। इस पेल्टियर मॉड्यूल से मैं आपको एक पानी ठंडा करने का जुगाड़ बनाकर दिखाऊंगा। इस बढ़ती गर्मी में ठंडे पानी की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन सबके घरों में फ्रिज नहीं होता, इसलिए मैं आपको कम से कम खर्चे में एक वाटर कूलर बनाकर दिखाऊंगा। इस वाटर कूलर से आप पानी को आसानी से ठंडा रख सकते हैं और ये पानी है वो फ्रिज की तरह ही ठंडा हो पाएगा। पहले आपको इस तरह का एक पेल्टियर मॉड्यूल की किट ले लेनी होगी और इस पेल्टियर मॉड्यूल किट के बारे में मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो बनाकर रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस पेल्टियर मॉड्यूल किट की ए टू जेड जानकारी दी हुई है। और बाद में हमें इस तरह का एक एल्यूमिनियम का बीकर ले लेना होगा और बाद में हमें इस तरह की एक नल की टोटी ले लेनी होगी और बाद में हमें इस तरह की एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी होगी। इस बोतल में इस तरह का होल कर लेना होगा। ये वाला नल है वो हम इस बोतल में फिट करने वाले है, ऐसे ही ये नल है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो अब मैं आपको इन सभी सामान को इस पेल्टियर मॉड्यूल किट के ऊपर फिक्स करके बता देता हूँ, आपको भी ऐसे ही फिक्स कर लेना होगा। मैंने इस प्लास्टिक की बोतल को इस एल्यूमिनियम के बीकर में फिक्स कर दिया है और बाद में हमें इस पेल्टियर मॉड्यूल के लिए एक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप इसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस तरह का एक स्टैंड बना लेना होगा। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े को कट करके इस पेल्टियर मॉड्यूल के लिए एक स्टैंड बना दिया है। अब हमें इस बोतल को इस पेल्टियर मॉड्यूल किट के ऊपर लगा देना होगा। इस पेल्टियर किट के ऊपर लगाने से पहले यहाँ पर आपको हीटसिंक का पेस्ट लगाना होगा। यहाँ पर अगर आपके पास हीटसिंक का पेस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप कोलगेट का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर ऐसे ही इसको लगा देना होगा, ऐसे ही यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। अब हमें इस वाटर कूलर में पानी डाल देना होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इस बोतल को यहाँ तक काफी अच्छे से पानी डाल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट और 40 एम्पियर की बैटरी ले ली है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की पावर सप्लाई से भी काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की पावर सप्लाई तो आपको चाहिए ही होगी। इससे कम दोगे तो ये हमारा वाटर कूलर है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा और पानी को भी काफ़ी अच्छे से ठंडा नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्पियर की आवश्यकता होती है। अब हमें इस वाटर कूलर का कनेक्शन कर लेना होगा। इसका कनेक्शन है वो काफ़ी सिंपल है। बैटरी के पॉजिटिव में इस पेल्टियर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देना होगा और नेगेटिव में इस पेल्टियर का नेगेटिव कनेक्ट कर देना होगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस पेल्टियर मॉड्यूल के किट का काफ़ी अच्छे से कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर आपको इसको चलाने के लिए हेवी पावर सप्लाई की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये पानी है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर इसके नीचे की साइड काफ़ी गर्म भी हवा आ रही है। यहाँ पर यह बिकर है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ ये पानी है वो कितने देर में ठंडा होता है। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को कट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो हमने इस वाटर कूलर में पानी डाले हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाटर कूलर में फोग भी जमना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से भाप जमना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर यह काफ़ी बढ़िया तरीके से ठंडा भी हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको लगाए हुए सिर्फ 8 से 10 मिनट ही हुए हैं, फिर भी इसने काफ़ी अच्छे से ठंडा पानी कर दिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस बीकर में आ सके उतना ही पानी डाला है। यहाँ पर आप इस वाटर कूलर में 50 मिनट से ज़्यादा पानी को रख दोगे तो ये पानी है वो बर्फ़ भी जम सकता है। मैंने इसमें बर्फ़ भी जमा कर दिखाया है, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से बर्फ जमा कर दिखाया है। फिर भी आपको इस वाटर कूलर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।